बहुत ही दुखद घटना हुई है जिसका संज्ञान आदरणीय मुख्यमंत्री ने स्वयं लेते हुए कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं प्रशासन को। और घटना में नामित दो अभियुक्तों में से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो भी चुकी है और दूसरे की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं और शीघ्र उसके भी परिणाम आ जाएंगे। कठोरतम कार्रवाई करेगी और अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ आदरणीय मुख्यमंत्री ने चूंकि परिवार की दुख की घड़ी में सरकार साथ खड़ी है तो आर्थिक रूप से भी मदद करने का निर्णय लिया गया था। उसी मदद के साथ और आदरणीय मुख्यमंत्री के संदेश के साथ इस परिवार के बीच में हम लोग आए हैं। सरकार साथ है, जिला प्रशासन साथ है, शासन साथ है, हमारी पार्टी के सारे माननीय विधायक जिलाध्यक्ष आपके सामने खड़े हैं। जिले से लेके प्रदेश तक का संगठन पार्टी सरकार प्रशासन शासन निश्चित रूप से प्रयास करेगा कि कठोरतम दंड मिले और अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई होगी। सर, आपकी सरकार से पीड़ित परिवार को किस तरह की राहत दी गई है? अभी एक चेक माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भेजा गया है परिवार की सहायता के लिए, तो हम लोगों ने परिवार को सुपुर्द कर दिया है। अधिवक्ताओं को आश्वस्त करते हैं कि निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई होगी, जो भी अपराधी हैं किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं आएगा। और अधिवक्ता धैर्य रखें, हालांकि उनके अपने बीच का एक अधिवक्ता उन्होंने खोया है तो स्वाभाविक है गुस्सा, तो उस गुस्सा पर संयम बरतते हुए प्रशासन का सहयोग करें, सरकार की मंशा का सम्मान करें और निश्चित रूप से किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये हम उन्हें आश्वस्त करते हैं।